सिनेमा में अच्छा परिवर्तन करने का इतना आ गया है यहाँ भी, लेकिन हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस हाउस के विलन है। आजकल बहुत सारी फिल्में भी ऐसी आ रही है कि हमारे नौजवान लोग आत्महत्या करते हैं, मतलब उस फिल्म में अगर आत्महत्या करने के लिए ऐसा कुछ सीन होता है उस पर भी सेंसर बोर्ड ने ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने भी एक दो फिल्मों में काम किया है, मैं भी उनको क्या क्या नाम है बता दीजिए, नाम बता दीजिए हम लोग देखेंगे। हाँ, मैंने जो एक अन्याय का पत्रकार नाम की एक मराठी की फिल्म थी उसमें मैंने टाइटल रोल किया है। हमारी स्मृति ईरानी जी भी, मतलब उन्होंने भी काम किया, पूरा हो रहा है आपका। सास भी कभी बहू थी, लेकिन बहू भी लहू थी। सिनेमा का इतना बहुत ही अच्छा आ गया है भी, सिनेमा में अच्छा परिवर्तन करने का इतना आ गया है यहाँ भी, लेकिन हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस हाउस के विलन है। वो यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे हो रहा है फील। तो मुझे लगता है कि ये बिल इतना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे विरोधी दलों की सब सीट मुझे दिख रही है खाली, विरोधी दलों की सीट मुझे दिख रही है सब खाली। माननीय अठावले जी विषय फिल्म, लेकिन नरेंद्र मोदी जी है भारत देश के वाली। माननीय अठावले जी विषय फिल्म है। 2024 में INDIA विषय फिल्म है। 2024 में माननीय अठावले जी विषय फिल्म है, विषय पर बोलेंगे तो रिकॉर्ड पे जाता है। प्लीज रात होगी, प्लीज प्लीज विषय पर बोल। 2024 में INDIA की रात होगी काली, इसलिए मैं अनुराग ठाकुर को देता हूँ इस बिल के लिए ताली। बिल पे आ गए। ये सिनेमा परिवर्तन के विदय के लिए मैं अनुराग ठाकुर जी को बधाई देता हूँ, और हाउस में हंगामा करने वालों का मैं बदला लेता हूँ। ये बिल पास हुआ है ये बताने के लिए मैं मुंबई जाता हूँ। और कांग्रेस का सामना करने के लिए फिर जल्द ही वापस आता हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़े समाज में परिवर्तन करने के विषय पर फिल्म निकलती है। आजकल बहुत सारी फिल्में भी ऐसी आ रही है कि हमारे नौजवान लोग आत्महत्या करते हैं, मतलब उस फिल्म में अगर आत्महत्या करने के लिए ऐसा कुछ सीन होता है उस पर भी सेंसर बोर्ड ने ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्टिस्टिक फिल्में जो होती है, आर्टिस्टिक फिल्में बहुत सारी पहले आती थी। हमारे दादा साहब फाल्के जी ने, मतलब महाराष्ट्र में नहीं देश भर में, बहुत ही अच्छी फिल्मों की शुरुआत की। और बॉलीवुड ये हमारे मुंबई में, मुंबई का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुंबई प्लेस है। हमारे अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद से मुंबई आए, बहुत सारे कलाकार पूरे देश से मुंबई आते हैं, उनको फिल्म में काम मिलता है। मैंने भी एक दो फिल्मों में काम किया है, मैं भी उनको क्या क्या नाम है बता दीजिए हम लोग देखेंगे। हाँ, मैंने जो एक अन्याय का पत्रकार नाम की एक मराठी की फिल्म थी उसमें मैंने टाइटल रोल किया है। जोशी या कामले नाम की एक फिल्म है, उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया है। मैं ज्यादा काम करता था तो मैं इधर नहीं आता था। विषय पर मतलब वहां ही रहना पड़ता था मुझे। मैं जब कॉलेज में था तब मैं हर फिल्म देखता था फिल्म, और इसीलिए मतलब मैं भी कलाकार हूँ। हमारी स्मृति ईरानी जी भी, मतलब उन्होंने भी काम किया। पूरा हो रहा है आपका। सास भी कभी बहू थी, लेकिन बहू भी लहू थी। तो मतलब बहुत सारे लोग यहाँ है, और फिल्म हम थिएटर में देखते थे, लेकिन आजकल जिस तरह हमारे मेंबर साहब ने बताया
कि मॉल में मतलब छोटे छोटे थिएटर है, 100 सीट के, 150 सीट के, पहले 1000 सीट के, 1500 सीट के, मतलब बड़े थिएटर होते थे, वह हम 10 रुपए 20 रुपए टिकट में हम देखने के लिए जाते थे। 4 मिनट्स यू हैव टेकन, प्लीज कंक्लूड। तो मतलब कम पैसों में देखने के लिए जाते थे, लेकिन आजकल मतलब काफी इंटरनेट आया है, फिल्म की चोरी होती है, बहुत सारी फिल्में घर में देखी जाती है, इसीलिए अपने इनकम में भारी टूट आई है, अपने डिपार्टमेंट को भी पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए मतलब परिवर्तन करने के लिए ये बिल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आया है। कंक्लूड करें। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बिल का सपोर्ट करने के लिए मैं यह खड़ा हूँ, और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया इंडिया ये बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया मतलब इनका इंडिया नहीं, इंडिया हमारा है, इंडिया तो सबका है। कॉन्क्लूड, लेकिन ये इन्होंने जो INDIA का जो फुलफॉर्म किया है, लेकिन मेरा फुलफॉर्म ऐसा है कि आई का मतलब इंट्रोडक्शन, एन का मतलब निगेटिव, कॉन्क्लूड डी का मतलब डेट, जो रेलिवेंट आई का मतलब आइडिया रिकॉर्ड पे नहीं होगा, और ए का मतलब अलायंस, मतलब इनका इसी तरह का अलायंस है, तो ठीक बात है। तो इसलिए मैं इस बिल का सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ, मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इस पार्टी की तरफ मैं इस बिल इस विधेयक का सपोर्ट करता हूँ, और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ, और आगे फिल्म इंडस्ट्री और भी अच्छा ज्यादा एक्टिव हो। मैं बीच में अमेरिका का गया था, वहाँ मैं थैंक यू, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, और अमेरिका में गया था मैं, वहाँ लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस में गया था, बॉलीवुड तो मुंबई में है लेकिन हॉलीवुड लॉस एंजलिस में है। थैंक यू। तो लॉस एंजलिस देखकर मैं आया हूँ।